नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। बीटमा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जैसे नारों के साथ 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बीटमा में भी इस अवसर पर विशाल वाहन रैली निकाली गई, जो बदीपुरा बालाजी से शुरू होकर आवास कॉलोनी, त्रिवेणी चौक, पूरा बाजार, राजवाड़ा चौक, इंदौर रोड से अंबेडकर चौराहे होते हुए देपालपुर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां विशाल सभा का आयोजन किया गया। यात्रा में कुछ समाजजन विशेष पारंपरिक परिधानों में भी नजर आए, जो आकर्षण का केंद्र बने रहे। यात्रा का पूरे मार्ग में जगह जगह सामाजिक राजनीतिक मंचों से स्वागत किया गया। विशेषतः जी जागृति सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ग्राम रंगवासा में पुष्प वर्षा से स्वागत तथा फल वितरण की व्यवस्था भी की गई, जिसकी सभी ने सराहना की। यूनो द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित है सर, और आज हमने सभी समाजजन ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज विशाल महारैली का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात देपालपुर में महासभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे महापुरुषों के बारे में बताया जाएगा और हमारे आदिवासी जल जंगल जमीन क्या है इसके वजह से में भी सभी हमारे बुद्धिजीवी बताए जाएंगे। ये बाइक रैली यहाँ से बेटमा नगर भ्रमण करेगी, यहाँ से सीधा अटौदा और आगरा होते हुए देपालपुर में नगर भ्रमण करेगी। देपालपुर में वहाँ कोई विशेष आयोजन या कोई वहाँ पे सभा का आयोजन रखा गया है, और वहाँ पे हमारे विशेष अतिथि भी आए हुए हैं, वो सभी समाज। बेटमा से खबर समय जगत के लिए सुनील मेघाया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।